20 से 22 रुपए किलो की चीज से 500-700-1000 रुपया पैदा कर सकते हैं। नमस्कार, काव्य चैरिटेबल ट्रस्ट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका साथी योगेंद्र चौधरी नए नए बिजनेस आइडिया की कड़ी में मैं आपको और परफेक्ट बिजनेस आइडिया बता रहा हूँ। मक्के से पैसा, पानी से पैसा नहीं है, अब मक्के से पैसा। मक्के से आप देख सकते हैं खेतों से ये मक्का पैदा होती है और हमारे तुम्हारे सबके खेतों में ये होती है, और इसको कैसे इससे बहुत बड़ा पैसा आप कमा सकते हो वो मैं आपके लिए प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। ये पूरा खेतों में होती है और खेतों से जाके, और हम तुम जो खाते हैं ना पॉपकॉर्न खाते हैं, स्वीट कॉर्न बोलते हैं, या बहुत सारी चीजें जो होती है ना, वो कैसे कैसे एक अच्छा ब्रांड और एक अच्छा मॉडल तैयार करके आप एक बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। जहाँ पे जो चीज पैदा हो रही है वहां से आप परचेज कर सकते हैं और बल्क में परचेज कर सकते हैं। मैं इनसे बात करवाऊंगा, और मेरे दूर तक आप देख सकते हैं मक्का ही मक्का है, पूरा रोड भरा पड़ा है वहां से वहां तक। और ये आप जो है ना, ये किसान लोग हैं और इनसे आप जो है ना डायरेक्ट डील करके अगर मक्का परचेज करते हैं, यहाँ की जो रेट है मैं आपके लिए बता दूं 2100 रुपए क्विंटल है। एक क्विंटल में 100 किलो होते हैं। अब एक किलो में आप जानते हैं कम से कम 20-30-10 रुपए के पैकेट जो आप मार्केट में बिकते हैं, 20-30 पैकेट, 40 पैकेट आराम से एक किलो में बन जाते हैं। आप सोचो कितना पैसा आप 20 से 22 रुपए किलो की जो चीज है मक्का, 20 से 22 रुपए किलो की चीज से 500-700-1000 रुपया पैदा कर सकते हैं। मैं इनके लिए थोड़ा बात करवाना चाह रहा हूँ। थोड़ा बात करिए, क्या नाम है? इस्माइल। ये कितना पैदा हो जाता है एक बीघा में? क्या फायदा छोटे से इसमें मक्के जर में क्या फायदा है इसमें? नहीं नहीं, एक बीघे के हिसाब से होता है, एकड़ के हिसाब से होता है। कितना होता है केजी या क्विंटल? एक क्विंटल 2000 चिल्लर है अभी, तो रेट 2000 है। आप डायरेक्ट मंडी लेके जाते हैं या फिर डायरेक्ट यहीं से बिक जाता है? डायरेक्ट जाते हैं। अच्छा, यानी कि एक बीघा या एकड़ में कितना पैदा होता है? एक इसमें 10 क्विंटल आता होता थे। एक क्विंटल होता है, दस क्विंटल है एक एकड़ का। हाँ। वैसे अब की बार जो है ना बारिश की वजह से कम हुआ है। बारिश के कम है, पानी छोड़ने का, पानी की वजह से कम हुआ है। कह सकते हैं कि अब की बार मैं भी देख पा रहा हूँ कि वहाँ से वहाँ तक बारिश कम हुई है। अच्छा, अब इसको आप सुखा रहे? बहुत अगर कहते हैं जी। अच्छा, अब इसको ड्राई कर रहे हैं? ड्राई, हाँ ड्राई कर रहे हैं। तो इसमें ड्राई करने के बाद भी बिकेगा ये? बाद में क्या नहीं, यूनो तौल कर लेता हूँ। ऐसा नहीं लेता है वो? नहीं 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 लेते हैं, इसमें मॉइस्चर है, जरा कच्चा है, कर बिल्कुल नहीं लेते हैं। कच्चा है वैसे, इसमें मॉइस्चर है अभी। हाँ, अभी इसको अगर सुखाते हैं तो पूरा। अच्छा, ये स्वीट कॉर्न बनता है, इससे दलिया भी बनता है, रोटी भी बनता है, सब भी होता है। तो देखिए, ये चीज मैं आपके लिए इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे पैदावार इसी चीज की है और बड़ी मेहनत लगती है किसानों को। देखिए, जब अपना अन्न उगाते हैं, और सोचने वाली बात यह है कि वहां से लेके और यहाँ तक आप कहीं भी नजर मार सकते हैं, कई किलोमीटर तक भी नजर मार सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ मक्के की खेती है यहाँ पे, और नारियल की खेती है बहुत सारी, सुपारी की भी खेती है। आप जहां से जो चीज पैदा हो रही है ना, वहां से आप चीजें डायरेक्ट बल्क में उठाइए, और उस बल्क में उठाने के बाद में ना बस छोटी छोटी पैकिंग में अपना एक ब्रांड लॉन्च करिए। इसमें कोई मशीनें तो चाहिए ही नहीं है, और आप जो है ना बड़ा लेवल पे पैसा कमा सकते हैं। मैं आपके लिए काव्य चैरिटेबल ट्रस्ट, बार बार आत्मनिर्भर भारत यात्रा मेरी जो देश भर में अभी 25,000 किलोमीटर अभी हुए नहीं है, चल रही है लगातार। मैं कर्नाटक के अंदर हूँ और यहाँ से महाराष्ट्र के लिए रोड गया सीधा। तो देखिए, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ मैं आपके लिए क्योंकि आपके मन में कोई ऐसी चीज पैदा हो, क्योंकि नौकरी करने से अच्छा है आप एक छोटा सा मालिक बनिए। भले ही स्वीट कॉर्न ये आपको लग रहा होगा, लेकिन ये बिजनेस बहुत बड़ा है, ये छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। क्योंकि एक बड़ी कंपनी जब बनती है ना, तो ये पाउच जो लटकते होंगे ना मार्केट में, आप दुकानों पे देखते होंगे नमकीन के पाउच है, पॉपकॉर्न के पाउच है, तो बहुत सारा पैसा है। और एक पाउच में 5 से 10 ग्राम आता है, तो आप सोचिए 20 से 22 रुपए किलो की चीज आ रही है जो चीज, और 5 से 10 ग्राम में जब आप उसको दोगे तो कितना बड़ा बेनिफिट होने वाला है। तो मेरा तो बस यही उद्देश्य है कि कैसे भी करके लोग आगे आए
अपना खुद का बिजनेस करें, खुद का रोजगार शुरू करें, जिससे वो आत्मनिर्भर तो बनेंगे खुद ही, लेकिन अपने साथ साथ अपने परिवार को भी वो अपना अच्छा खासा रोजगार दे सकते हैं। और जो है मेरा तो यही उद्देश्य है, काव्य चैरिटेबल ट्रस्ट का उद्देश्य यही है, समाज के लिए हम बहुत सारा काम कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जा जाके मैं आपके लिए मैं अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ। तो बहुत बहुत आपके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आपके लिए जो है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इस वीडियो को आप शेयर करेंगे और नए तो सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।